3, 2, 1. आज का टॉर्चर तो वी नीड योर लव एंड सपोर्ट. थोड़ा सा भारी पड़ गया है ये वाला वीडियो करना. गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. नाउ इन टुडेज़ वीडियो एज अ टाइटल सजेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ट्राई करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक ब्यूटी टूल्स भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और तरीके के अपने इस फेस पे. मतलब कोई और तो फेस है ही नहीं. एनी वेज सो यहाँ पे आई एम श्योर मैंने ऐसा एक वीडियो किया था फ्रॉम क्लब फैक्ट्री. अब ये बैंड चाइनीज ऐप है ना, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म में आके फेमस हो ही जाते हैं क्योंकि चीज़ें काम करें या ना करें लेकिन क्यूट इतनी होती थी कि हम ले लेते थे, राइट. सो इस बार मैंने कैटेगरी को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखा है. इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी ट्राई करी है एंड आई पिक्ड अ बंच ऑफ लाइक इतने सारे फेशियल टूल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक भी हैं. इसमें उनको देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा वेदर दे वर्क और नॉट. नाउ ये सारे टूल्स मैंने अमेजोन से लिए हैं खुद के पैसों से, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस वीडियो को, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हम देख पाएंगे कि ये चीज़ें किस हद तक काम करती हैं या नहीं. और सारे चीज़ों को मिला के मतलब ये देख लो 700 रुपये से ऊपर की कोई चीज़ नहीं है, तो अफोर्डेबल भी है, हर कोई यू नो ट्राई कर पाएगा. और क्योंकि ब्यूटी टूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं मेरे फेस पर इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं दे सकती एक दिन में, तो आई एम श्योर इस वीडियो को फिल्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा. और ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा होंगे, तो प्लीज़ लाइक भी ज़्यादा ही करना है इस पर और जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. मैं वैसे कम बोलती हूँ लेकिन प्लीज़ कर दिया करो, वी नीड योर लव एंड सपोर्ट, राइट. सो सारे लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली हूँ मैं फेशियल टूल्स को ट्राई करते टाइम पे, तो देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा ट्राई करने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक. अच्छा सो बुक को सेट करते हुए मैं आ गई हूँ मेरे वॉशरूम में जहाँ पे सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाली हूँ सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट को जो कि है ये केयर स्मिथ का फेशियल स्पा मसाजर. ना अगर मैं फेशियल टूल्स की बात करूँ तो अमेजोन पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें भी कलर आपको मिल जाएंगे, ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, बट इसके स्पेसिफिकली जो केयर स्मिथ का ब्रांड है इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और उसी बेसिस पे मैंने इसको लिया है और इस देखते हैं कि कैसे क्या काम करता है. और इसको देखते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि सस्ता फोरियो, क्योंकि फोरियो लूना जो आते हैं उसके मतलब 15-20 हज़ार रुपये चला जाता है वो. आई थिंक इट्स अ गुड कैच. सबसे पहले केबल ही निकली है तो ये केबल के साथ में आता है. नाउ दिस इज सुपर सॉफ्ट टू टच एंड यहाँ पे इसके ब्रिसल्स भी सुपर सॉफ्ट हैं. ऑर्डर्स चलता आ रहा है, मतलब थोड़े से बड़े ब्रिसल्स हैं फिर छोटे और फिर नीचे आके आपको मसाजर भी मिलता है. यू हैव दिस ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ पे और प्लस माइनस भी है जिससे आप पावर को कंट्रोल भी कर सकते हो कि कितना ज़्यादा चाहिए. तो बैटरी ऑपरेटेड है, लेट्स सी कि इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर अमेज़न वालों ने ही हमको चार्ज करके भेजा है. इतना सा तो बैटरी उन्होंने दिया ही है. सो आई कैन सी द वाइब्रेशंस, मुझसे हम ज्यादा वेट नहीं हो रहा. सो लेट्स पुट दिस टू टेस्ट एंड लेट्स सी कि कैसे काम करता है. सबसे पहले मैं मेरे फेस को वेट कर लेती हूँ. सो 3, 2, 1. इट्स नाइस, ऐसे स्ट्रीक्स बन रही है, समझ रहे हो. क्लिनजेज वेल, हाँ द वे द बॉडी इज शेप ना, ये बहुत ही अच्छे से नोज एरिया के आसपास भी जा रहा है और सॉफ्टली क्लेंस कर रहा है स्किन को. कैन यू सी दिस, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये क्लेंजिंग कर रहा है. मेरे फेस पे ना कूलिंग सेंसेशन ऐसे लग रहा है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द फेस वॉश. मेरी स्किन बहुत अच्छा फील कर रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एंड आई थिंक मैं इसको क्लीन करके अपने साथ लेके जाने वाली हूँ. और मैं फोरियो को भी यूज़ करूँगी लेकिन इसको शायद ज़्यादा यूज़ करूँ, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आई थिंक मेरी तरफ से इसको मिलता है थम्स अप. लेवल ऑफ क्लेंजिंग जो इसने किया है ना, इट्स अनबीटेबल. आई थिंक आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए ये वाला. एंड इसको होल्ड करना भी ना मोबाइल होल्ड करने जैसा है. नहीं ये यहाँ यूज होगा. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू एंड आई वुड गिव दिस अ थम्स अप बड़ा वाला. कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने की ना खुशी हम लोगों के चेहरे पे ना अलग ही दिखती है. और अभी मैंने जो यूज़ किया ये एक्चुअली हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड दिस इज़ डर्मा सक्शन पोर क्लेंजिंग डिवाइस. कुछ इस तरीके का लगता है, 400 रुपये के अंदर अंदर का है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इनको देखा होगा. जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूबर्स नहीं टिकटॉकर्स, वो ऐसे रील बनाते हैं, चाइनीज़ लोग ये वो ऐसी गंदी गंदी रील बनाते हैं, बहुत ही यक लगता है. और क्योंकि इसका नाम ही है सक द यक आउट ऑफ द पोर्स, मतलब इसका काम है ये, देखते हैं कितना सक कर पाता है यक को. और इसमें आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, लाइक यू नो अटैचमेंट्स मिलते हैं, इस तरीके का केस आपको मिलता है एंड देन यू कैन ओपन इट लाइक दिस.
अगर मैं मशीन को इसको हाथ लगाती हूँ आई कैन से स्टर्डी फील हो रहा है बट डेफिनेटली अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है और कॉर्डलेस है मतलब पोर्टेबल भी है. ओके सो इस फेशियल टूल के अच्छे उम्दा रिजल्ट्स के लिए मैं मेरे ब्लैकहेड्स निकालने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू हम स्टीम ले लेते हैं तो मैं वो भी चीज़ करने वाली हूँ. सो टॉवल आ चुका है या तो आप स्टीम ले लो उससे पोर्स ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से. इसमें अटैचमेंट लगा हुआ है. सो सबसे पहले मैं इसको हाथ पे ट्राई करती हूँ. आर यू गाइस रेडी? पकड़ लिया भाई इसने तो. ओह मुझे प्रॉमिसिंग तो लग रहा है इसकी एक्टिविटीज से सक करने की. अब ये देखो मैंने थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाई है. ओह यस नाउ दैट माय स्किन इज ऑल सेट इसको फेस करने के लिए लेट्स डू दिस. चलो आ जाओ आप थोड़े से पास आ जाओ. मशीन बंद हो रही है. देखा आपने आवाज़ चेंज हो गई. अरे भाई छोड़ फर्क नहीं पड़ा इतना. इसको बिल्कुल नाक के पास लगाया है तो गंदी प्लास्टिक के सड़ने की स्मेल आ रही है. लाल कर दिया हल्का सा. ओह माय गॉड बट इसमें कुछ नहीं आ रहा. यहाँ ट्राई करते हैं. समझ रहे हो इट्स नॉट पुलिंग दिस टाइम. हाँ इट इज ओके. ओह माय गॉड छोड़ भाई छोड़. अब मैंने इसका हेड चेंज किया है जो कि है एवरीडे यूज के लिए. ओके सो इसका हेड जो बड़ा है सर्कल इसकी ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए बहुत ज़्यादा स्किन अपने अंदर ले लेता है एंड डर गई यार मैं. ट्राई करते हैं. इतना सेफ नहीं लग रहा है इसको यूज़ करना. डेफिनेटली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूद है लेकिन रेड भी हो गई है एज यू कैन सी. ठीक है तो ये स्किन को डेफिनेटली सेंसिटिव बना देगा इज़ व्हाट आई फील. लेकिन नोज एरिया के आसपास आप देखोगे रेडनेस. जब तक मैंने यहाँ किया तब तक यहाँ की रेडनेस चली गई तो इतना डरने की भी बात नहीं है कि थोपड़ा पूरा लाल हो जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला. इट्स नॉट गोना स्टे. ओ भाई ओ भाई ओ माय गॉड थोड़ा सा भारी पड़ गया है ये वाला वीडियो करना बट ठीक है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं. पूरा रेड हो गया यार. दिस विल डेफिनेटली वर्क्स लेकिन आपको हल्की सी यू नो रेडनेस आपको दे देता है विच इज़ नॉट स्टेबल. वो चली जाती है बट डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप क्या है. इसको प्राइस वाइज देखें तो अफोर्डेबल है एक्सेसिबल है आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा एंड आई एम श्योर ऑफलाइन भी मिल जाएगा. लेकिन जब आप अपने चरण कमलों को बाहर लेके जाएंगे जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा अच्छे तरीके से तभी. और दूसरी चीज़ है इसके रिजल्ट्स को देखते हुए आई कैन से दैट आई वुड गिव दिस अ थम्स अप. बट प्लीज़ कीप इन माइंड इसको बहुत ही सेफ तरीके से यूज़ करना एंड बच्चों बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल देना मत. पता चले ना कि नहीं रही यार इट्स नॉट फनी बट ठीक है. इनको उनकी रीच से बिल्कुल दूर रखना प्लीज़ मानना इस चीज़ को. और थोड़ा सा डेंजर भी लग रहा है लाइक दिखने में से बंदूक. व्हाट डू यू से अपने फेस पर भर भर के अत्याचार और टॉर्चर करने के बाद में मेरी स्किन वापस से सही हो गई है सेटल हो गई है विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट. एंड नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं ये डेओन्स का डे वंस डेओन्स का दिस एंटी एजिंग फेशियल मसाज गिफ्ट सेट. नाउ फर्स्ट थिंग विच आई लाइक द मोस्ट कि ये अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट सेट है जो इन्होंने खुद ने मेंशन कर रखा है. सो यहाँ पे आपको मिलता है जेड रोलर और इसमें आपको मिलता है गुआशा. नाउ गुआ का मतलब होता है स्ट्रोक या फिर यू नो कुछ ऐसा प्रेशर देना. एंड देन शा का मतलब होता है रेडनेस. सो बेसिकली क्या होता है जो चाइनीज हीलिंग यू नो चीज़ें होती हैं प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. आई वुड से पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर द प्राइस पॉइंट जो कि है सिर्फ और सिर्फ 579 अंडर 600 रुपीज़ में. एंड ऑल्सो लव द फैक्ट दैट इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी स्मूथ जेड. नाउ इसके बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मुझे अपने फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा एंड चिपचिपाहट बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे. एंड आई थिंक इसकी बेस्ट जोड़ी बनेगी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के साथ में. तो मामा आर्ट ने बिल्कुल सही टाइम पे लॉन्च किए हैं उनके ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर. मेरे पास है वाइटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद वाइटामिन सी एंड गोटू कोला. नाउ दिस इज फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. दूसरा वाला है वो एक्टिव एक्ने के लिए विच इज इन्फ्यूज्ड विद टी ट्री. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी एंड आई थिंक इट्स ईजी टू ट्रैवल अराउंड मतलब कैरी वगैरह ईजिली कर पाओगे. और अपने फेस पे बस उसको लगा देती हूँ. टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो इट्स मिल्की वाइट इन कलर. मेरे स्किन पे जो इतना टॉर्चर हुआ था आई थिंक उसको बहुत अच्छे से हील किया है इस मॉइस्चराइजर ने. इट्स डेफिनेटली लाइट इन वेट और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है. एंड व्हाट आई कैन सी मतलब मेरे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है. अब गोटू कोला क्या होता है मेडिसिनल लीफ है जो कि एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं सन डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाता है.
prepared to use this Gua Sha. It's a new thing for me. Although I have used this Jade Roller. वैसे तो मैं जब ऑर्डर कर रही थी तो मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी क्वालिटी का आएगा, बट माई सरप्राइज, दीज आर मेड अप ऑफ रियली गुड क्वालिटी. बट आई कैन बिलीव ये रियल जेड नहीं होगा क्योंकि वो अराउंड 2-3 हज़ार का आता है. बट हाँ ठीक है, इससे अगर अच्छे रिजल्ट ग्लो मिल जाता है 600-700 रुपये में तो 3,000 रुपये में क्यों वेस्ट करने, नॉट वेस्ट पर हाँ क्यों स्पेंड करने. सो इसको यूज़ करने के लिए मैंने थोड़े से ट्यूटोरियल्स देखे थे गूगल पे भी, यू नो उसके बेनिफिट्स वगैरह देखे हैं. सो आपको अपनी स्किन को ना हल्का सा होल्ड करना पड़ता है सो दैट आप उसको अपनी स्किन के अगेंस्ट चला सको इजिली. एंड आई एम प्लेसिंग दिस पार्ट, ये जो कर्व है ना बीच का, ये अपवर्ड मोशन में लेके जाना है. जॉ लाइन शार्प हो जाएगी, फेस बहुत स्ट्रक्चर्ड लगेगा एंड डेफिनेटली आपको कॉन्टोरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अपनी स्किन को इस तरीके से होल्ड करके एंड आई विल यूज़ दिस साइड ऑफ दिस गुआ शा. नाउ इस वाले टूल के लिए आई एम नॉट डाउटफुल, बट अगर आप उसको बेस्ट टेक्निक्स के साथ में यूज़ करते हो अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं. और एवरी डे में आपको उसको यूज़ करने की हैबिट डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट यू नो कॉन्टोर्ड फेस और शार्प जॉ लाइन. बट वंस इन अ व्हाइल यूज़ करोगे जस्ट लाइक आई एम डूइंग फॉर टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट, तो ऐसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं मिलने वाला. और ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आप बहुत सारे मैंगोज खाओगे तो डेफिनेटली पोटैटो जैसा फेस दिखने वाला है आपका. प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा है, अंडर 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. गुआ शा की एक्टिविटी से जो ग्लो है ना वो तो विजिबल है, लेकिन जो कूलिंग सेंसेशन मुझे मिल रही है बिकॉज आई यूज दैट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ऑफ विटामिन सी बाय मामाअर्थ, स्किन पे कूलिंग और कामिंग इफेक्ट के साथ साथ व्हाट आई लाइक द मोस्ट कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इट्स फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड ऑल. इसमें एक और वेरियंट है इनकेस आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर एक्टिव एक्ने है, तो फिर आपको डेफिनेटली ये T3 वेरियंट जरूर चेकआउट करना चाहिए. इन दोनों के ही लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. व्हेनेवर यू मेक एनी परचेज फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. एंड ऑल्सो मामाअर्थ ने लॉन्च किया है अपना नया नया ऐप जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जहां पे आपको सेल के अर्ली एक्सेस मिल जाएंगे प्लस काफी अच्छे खासे ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलते रहते हैं. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक इट आउट. एंड यस, यूज माय कूपन कोड एट द टाइम ऑफ चेकआउट एंड mamaearth.in जो कि है super2021, जिससे आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा. एंड यस, दीस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, नायका एंड ऑफ कोर्स mamaearth. ऑलराइट गाइस, सो एक फ्रेश डे में मैं चौथे प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाली हूं आज. सो बेसिकली मैं मेरे फेस को स्किन को थोड़ा सा हीलिंग टाइम देना चाहती थी इतना ज्यादा अत्याचार करने से पहले. अभी आप देखोगे द रेडनेस इज ऑल गॉन, तो मतलब कुछ भी नहीं है फेस पे. और मैंने मेरे हेयर मास्क भी लगाया है मेरे बालों में, सो आई एम फीलिंग मतलब बहुत फ्रेश एंड क्लीन एंड रियली गुड एंड हैप्पी. सो आज जो एक और प्रोडक्ट हम ट्राई करने वाले हैं वो है ये डर्मा रोलर, जो बहुत ज़्यादा खूंखार लगता है. इस पर नीडल्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, मतलब डेफिनेटली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है इसको यूज़ करते हुए. इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिले उसके लिए इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ये कैसे काम करता है. नीडल्स हैं इसमें विच आई कैन सी, और आपको क्लोजअप में भी दिख रहा होगा. सो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टंग हो गई, ये क्या बहुत जल्दी से हील करती है और सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं उनमें. सो हमारे ब्रेन को ना मैसेज जाता है कि यार यहाँ दिक्कत हो गई है, यहाँ अपना अटेंशन दो और प्रोसेसिंग जो रिजुवनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करो. इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन वो जैसे जैसे वो पेन होगा ना तो हमारी स्किन मतलब उस एरिया से ना ब्रेन को मैसेज जाता है कि यहाँ पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमारी जो स्किन है ना वो रिजुवनेट होती है. ओके, सो नाउ दैट माय स्किन इज फुली प्रेप एंड रेडी फॉर आज का टॉर्चर, क्योंकि कल वाले से हील कर चुकी है. मैं इसको छोटे छोटे पोर्शंस में करने वाली हूँ, वरना मैं नहीं चाहती मेरे पूरा यू नो फेस ख़राब हो जाए. एंड ऑल्सो आपको इसको वन डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल यू नो वर्टिकल या फिर डायगोनल कैसे भी उसको 10 times तक हर एक डायरेक्शन में घुमाना है. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम गोना यूज़ इट हियर ऑन माय जॉ, मतलब बहुत सेफ लगता है मुझे ये, मेरे को इचिंग हो रही है इसको करने के बाद में हल्का सा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय टेक ऑन दिस, सो बेसिकली मिक्स फीलिंग है, लेना भी चाहिए नहीं भी लेना चाहिए. नाउ दैट आई नो कि इतना हर्टफुल नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड जो नीडल का साइज़ है वो आप ज़रूर देख लें, जांच लें, परख लें, वरना बड़ी बड़ी सुइयां लेके अपने फेस को नुकसान देने से परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है. सो आई हैव लाइक यू नो अगेन इसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बट आई डोंट नो मैं इसको कैसे क्या यूज़ कर पाती हूँ. सो जैसे भी कोरोना आम बात हो गई है, ठीक है, हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है सेफ्टी के साथ में, वैसे ही हेयर रिमूवल ना सर्दियों से आने वाली हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम है. लाइक इट्स नॉट बैड टू हैव हेयर ऑन योर बॉडी, लाइक जस्ट फील्स क्लीन एंड स्मूथ ना, मतलब वो आफ्टर इफेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम श्योर दैट्स विद एवरीबॉडी आउट देयर. अब आईब्रोज वगैरह की टेक्निक मैं हमेशा से चाहती थी मैं खुद से सीखूंगी. सेम मेथड के साथ में एक मुझे ये टूल दिखा अमेजोन पे, स्लाइडन पता नहीं क्या करके है, फेस एंड बॉडी हेयर थ्रेडिंग सिस्टम. इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इस तरीके की कुछ ये पैकेजिंग है एंड इफ यू लुक एट दिस ना, ये बिल्कुल कैंची की तरह लगता है. और यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा रिफिल्स भी मिलती हैं. अब रिफिल्स कैसी होती हैं, तो यहाँ पे आप जो ये थ्रेड देख रहे हो ना ये बिल्कुल वैसे ही काम करने वाला है, बट इफ आई लुक एट दिस थ्रेड क्वालिटी
इट्स नॉट गुड एट ऑल एंड शायद तभी कुछ लोगों के रिव्यूज अच्छे नहीं थे इस पे, बट स्टिल आई एम गोना गिव इट अ ट्राई. मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको अपने आर्म हेयर पे जरूर ट्राई करके देखती हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स लाइक. चलो आ जाओ. सो यहाँ पे आई एम श्योर आपको हेयर दिख रहे होंगे. डेफिनेटली मैंने वैक्स कराए हुए भी 15-20 दिन हुए हैं और नई हेयर ग्रोथ आ गई है. सो आई थिंक यही टेक्निक है. अब देखो इसके रिजल्ट्स इतने विजिबल नहीं थे ऑन कैमरा. ये आपकी जो स्मॉल हेयर ग्रोथ है उस पर काम नहीं करेगा. प्लस इसकी थ्रेड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. इन्होंने भर के वो डिब्बी में इतने सारे रिफिल्स दे तो दिए, बट व्हाट इज द पॉइंट जब ये छोटे छोटे हेयर नहीं निकाल पाता. आर्म पे एक दो बाल दिख रहा है तो आप रिमूव कर सकते हो, बट उसके लिए इसमें इन्वेस्ट करना मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा. और इसकी थ्रेड क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है, विच आई रियली डोंट लाइक. और इसके रिजल्ट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि मैं आपको कैमरा में दिखा पाऊँ. सो सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया. मैं इसको अपर लिप्स के लिए डेफिनेटली ट्राई करती हूँ, लेकिन अभी इतनी ग्रोथ ही नहीं है और छोटे हेयर पे ये काम ही नहीं कर रहा है. साइन बंस के लिए आई थिंक ज़्यादा काम आएगा क्योंकि थोड़ी सी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है ना वहाँ पे. बट व्हाट्स द पॉइंट कि कोई भी एक चीज़ लेके फिर लिमिटेशन देखना. मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते. रिस्ट्रिक्शन आ गए ना, स्मॉल पे काम ही नहीं करता. और देखा जाए तो स्मॉल हेयर ही हमको ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे फेस पे. सो मुझे इसका कोई यूज़ नहीं लग रहा. सो इट्स अ कंप्लीट थम्स डाउन फ्रॉम माई एंड. वेल, ये पहला ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ खुद को वापस से नॉर्मल देख के. इट्स गुड टू बी बैक आफ्टर नॉर्मल स्किन लाइक यू नो. और इतना ज़्यादा मैं हद कन्फ्यूज कभी नहीं हुई कि मैं आउटरो करना भी भूल गई थी. एंड नाउ दैट यू नो मैंने इन सबको ट्राई कर लिया है एंड यू नो हाउ दे वर्क एंड क्या क्या रिएक्शंस हैं, तो मतलब यू नो लाइव देखा है आपने, तो आई एम श्योर आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल भी होगा. इन सभी की जानकारी मतलब लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो मेक द मोस्ट ऑफ द डिटेल्स एंड सारी चीज़ों को ट्राई करके वीडियो देख के जांच के परखे तो ही आपको इन सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए. वरना इन चीज़ों का भरोसा तो इतना भी नहीं है कि सेलर क्या पता बेच के निकल जाए और हम यहाँ पे हमारी स्किन को लेके रोते रहें. सो नाउ दैट एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई एम श्योर आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. सारी डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगेन दोबारा से बोल रही हूँ मैं, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई एम डन. ओके, आई सी गाइस माय नेक्स्ट फन. टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और इन दिस केस लाइक कोरोना वाले टाइम में घर पे रहें, सुरक्षित रहें. और ये भी याद रखें, आई लव यू ऑल सो मच. और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो मेरी तरह, वापस से बैठना पड़ता है बताओ.